आज दादी माँ की कहानियाँ में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी में बच्चों हम सुनेंगे राजा और रानी के दो बेटों की कहानी। एक बेटा बहुत ही समझदार और ईमानदार तथा दूसरा बेटा उतना ही आलसी और भोलापन। बच्चों ये कहानी जो हम लोग आज सुनेंगे, ये कहानी हमें सिखाएगी कि मेहनत और समझदारी में ही असली जीत होती है। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये कहानी सिखाएगी, हंसाएगी और मनोरंजन भी करेगी। बच्चों कई साल पहले की एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े से राज्य में एक राजा विक्रम सिंह अपनी पत्नी अनुपमा रानी के साथ रहते थे। उनके राज्य में सारे लोग खुश थे और खुशहाली के साथ अपना जीवन बिताते थे और वो अपने राजा से बहुत प्यार करते थे। राजा भी उनकी हर समस्या का समाधान तुरंत करता था। उनके राज्य में मेहनती लोगों का सम्मान होता था, अर्थात राजा और रानी का राज्य बहुत ही समृद्ध और सुखद। राजा रानी के दो पुत्र थे जिनका नाम युवराज विक्रम और युवराज विजय था। युवराज विक्रम एक विवेकशील और समझदार, जबकि युवराज विजय आलसी और भोला था। एक दिन राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अपने साथ लेकर राज्य का भ्रमण किया। राजा ने अपने बच्चों को राज्य की सुख एवं समृद्धि की गाथा सुनाई। राजा को उम्मीद थी कि उनके बच्चे ये सब जानकर राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए योगदान करेंगे। पहले पुत्र युवराज विक्रम, जो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था, उसने पिता के साथ राज्य का देखरेख में सहयोग दिया और लोगों की सेवा की। परंतु दूसरे पुत्र युवराज विजय, जो आलसी और भोला था, उन्हें राज्य एवं राजा की कही बातों पर कोई असर नहीं हुआ। वो सिर्फ अपने मन की इच्छाओं का पीछा करता रहता और उसे केवल अपने ही स्वार्थ की फिक्र होती थी। राजा ने अपने बड़े बेटे युवराज विक्रम को राज्य का कार्यभार सौंप दिया, जबकि छोटे बेटे युवराज विजय को उनके प्रिय कट्टरपंथी नियुक्त किया गया। युवराज विक्रम का प्रभावशाली शासन था। वह मंत्रियों के साथ संवाद किया करता था, राजा की सेवा में लोगों की मदद की और राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। उसने अपने पिता के साथ मिलकर राज्य को और भी समृद्ध और सुरक्षित बनाया। आसपास के कई राजा उनसे जलने लगे थे, जबकि इसके ठीक विपरीत युवराज विजय अपने प्रिय माता पिता के साथ बिताए हुए समय का आनंद नहीं लेता। वह अपने कार्यों को समय समय पर पूरा नहीं करता और हमेशा आलसी होता रहता था। उसका ध्यान हमेशा अपनी मनमर्जी के लिए होता था, जिससे राज्य के विकास में अवरोध आने लगा था। राज्य के लोग इस बात को जानते थे और परेशान रहते थे। राजा को भी ये बात अब धीरे धीरे समझ आने लगी थी। एक बार की बात है, एक दिन राज्य में बड़ी विपदा आई। राज्य को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा।
इस समय में राजा विक्रम और रानी अनुपमा सहायता के लिए हमेशा तत्पर थे। लेकिन उनके बेटे युवराज विजय ने केवल अपनी आलसी और भोलापन की वजह से इस चुनौती का सामना नहीं किया। राजा ने अपने समझदार और तेज बेटे युवराज विक्रम की सहायता से राज्य को बचा लिया। उन्होंने अपनी बुद्धिमता और नियमितता से राज्य की समृद्धि और सुरक्षा को बनाए रखा। वह अपने बच्चे युवराज विजय को भी समझाते रहे, लेकिन उसकी आलसी और बेवकूफ जैसी आदतें कभी नहीं बदली, जिससे युवराज विजय समाज में एक निकम्मा एवं हठी व्यक्ति के रूप में जाने जाने लगा। क्यों? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी, समझदारी और मेहनत हमें हमेशा सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है, तथा आलस्य और भोलापन हमें केवल असफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए बच्चों, हमेशा मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए।